पूरा ही भारत ही नहीं पूरा विश्व राममय हो गया है और उसी का नज़ारा आपको बबुनिया मोड़ पर देखने को मिल रहा है। बबुनिया मोड़ पर रघुनाथ मार्केट के द्वारा राम जन्मोत्सव के उपलक्ष भुवनेश्वर सिंह मार्केट के उपलक्ष में आज ये भक्तों के बीच प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें संजय सिंह जी हैं, अमित कुमार, सोनू सिंह हैं, कमल जी हैं, सभी लोग हम लोग मिल के यहाँ के व्यवसायी लोग प्रसाद वितरण बबुनिया मोड़ पर कर रहे हैं और पूरे देशवासियों को और पूरे विश्व को शांति का संदेश हम लोग के बीच दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है आज का जो माहौल जो है, आज का माहौल देखकर लग रहा है कि साक्षात त्रेता युग इस कलयुग में आ गया है और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को मैं सहृदय प्रणाम और धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने यह क्षण हम लोग के बीच लाया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बताइए क्या कहेंगे? लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए सुनो भैया, ये पूरे दुनिया के इतिहास में 500 वर्षों के बाद रामलला की पुनः स्थापना हुई है, जो अब टाट से आलिशान मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी के द्वारा पदस्थापित किए गए हैं। ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। जिस प्रकार हम लोग 1947 में 15 अगस्त को देश को आज़ादी मिली थी, ये 500 वर्षों के बाद जिस तरह हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, अब हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 जनवरी को राम जी की पुनः स्थापना का दिवस मनाते जाएंगे और ये बहुत बड़ी विजय है हिंदुस्तान की। आज पूरा सिवान गिरवामयी हो चुका है, चारों तरफ स्टॉल लगा करके प्रसाद भी बांटे जा रहे हैं। ये सिवान के इतिहास में ये बहुत बड़ी विजय की है कि सिवान के लोग एकदम राममय हो गए हैं। पूरा सिवान जो है राममय हो चुका है और गेरुआ वस्त्र में पूरा सरोवर हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आज आप स्टॉल लगा कर क्या कुछ वितरित कर रहे हैं? अच्छा है, बढ़िया है, सब खुश हैं। बहुत लोग खुश हैं, हम लोग सहयोग से अपना कर रहे हैं। सब क्या क्या बांट रहे हैं? लड्डू बांट रहे हैं, चाय बन रहा है वहाँ पर। कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी खुशी का दिन है। खुशी राम जन्मोत्सव समिति की तरफ से भी ये सिवान की सज्जा की गई है। आप जो रोडों पर सज्जा कर देख रहे हैं, ये राम जन्मोत्सव समिति की तरफ से किया गया है और राम जन्मोत्सव का जो प्रधान कार्यालय है बिरगु निवास, वहाँ पर LED लाइट लगाई गई है, LED का TV लगाया गया है और वहाँ भी प्रसाद का वितरण हो रहा है। और निश्चित तौर पर राम जन्मोत्सव समिति धन्यवाद का पात्र है कि सिवान को